हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने उत्पम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दो बाउल लिए हैं सूजी के, और इसमें इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है दही का। अब मैं दही को सूजी में मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सूजी में हल्का हल्का पानी भी डालते रहें और साथ में इसे मिक्स भी करते रहें। ध्यान रखिए, बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब इसे अच्छे से मिला लें, इसमें लम्प्स नहीं बनने चाहिए। उत्पम बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। जी, इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसके बाद इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15-20 मिनट के बाद ही हम इसके उत्पम बनाएंगे। और इसके लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ली है। मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियन लिया है, टोमेटो लिया है, कैप्सिकम और कैरेट और ग्रीन चिल्ली। अब इन सब्जियों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को मैंने पहले ही कट कर दिया था। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसमें अब नमक थोड़ा ही ऐड करें क्योंकि पहले हम बैटर में नमक डाल चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम यहाँ डालेंगे तवे पे थोड़ा सा ऑयल, और अब हम बनाएंगे उत्पम। तवे पे बैटर को डालें और उसे अच्छे से फैलाएं। देखिए, मैंने बैटर को लगा दिया। इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे सब्जियाँ जो मैंने पहले चॉप कर दी थी। सब्जियों को अच्छे से फैला लें। सब्जियों को हल्का हल्का प्रेस कर लें। देखिए, उत्पम एक साइड से हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे। आराम से पलटिएगा। पलटने के बाद इसे दूसरी साइड से ज़्यादा टाइम नहीं सेकना, सिर्फ आधा मिनट ही इसे सेकना। और इसे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। देखिए, उत्पम बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो फ्रेंड्स घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम इस पे टोमेटो केचप लगा लेंगे।
सॉस को अच्छे से फैला लें। इसके बाद हम इस पे डालेंगे चाट मसाला। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका ब्लैक पेपर का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। मैंने यहाँ नहीं डाला है, बट आप डाल सकते हो। तो देखिए, मैंने एक और बना के दिखा रही हूँ। यहाँ उत्पम बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए, उत्पम बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ एक विदाउट सॉस भी रखा है। अगर आपको बिना सॉस वाला खाना है तो वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।